दो तीन चीजें कहना है सर मुझे। प्लीज एक प्लीज। तो मैंने कोई भी पहला कोर्स ही किया है, इसके पहले मैंने कोर्सेस नहीं किए हैं कभी, मैं लेता रहा वाह हूँ तो मुझे तो उस तरीके का, पर ठीक है, ये लॉकडाउन और ये पीरियड और ये कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि वो आपका आया, मैंने देखा, मुझे अच्छा भी लगा। दो चीजें आपकी कहने की, आपके पढ़ाने की जो तरीका है, जो बताने का जो तरीका है, वो एक्सीलेंट है, काफी कूल रहते हैं आप, किसी भी चीज में इरिटेट नहीं होते, और वो एक सब्जेक्ट की जो डेप्थ है ना, एक ह्यूमन की डेप्थ से जब मैच करती है वो तब बाहर आता है। तो आपकी एज ए पर्सन भी एक पकड़ है अपने आप में कि मेरे को कोई इरिटेशन नहीं है, आप पूछिए मुझसे कितना पूछ सकते हैं, और लगभग लगभग जो जो क्वेश्चन सब लोग करते हैं उसके आप जवाब देते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इम्प्रेस हुआ मैं इस बात से। और आप इसको बनाए रखिए, मतलब अब अभी तो हजारों बच्चे आएंगे, हजारों लोग आएंगे जो आपसे सीखेंगे, अरे और कम से कम एक सब्जेक्ट सीखेंगे, एक एज ए ह्यूमन जो क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए वो भी सीख के जाएंगे, इसको बोलते हैं गुरु, इसलिए आप लोगों गुरु ठीक लिखते थैंक यू हैं। और सब्जेक्ट की पकड़ तो एक्सीलेंट है ही है, अच्छी है, बहुत बढ़िया। मैं तो मतलब इन 2 4 दिनों में लास्ट के एनालिसिस करना सीख गया, मैंने कई लोगों को बोला, अभी रिजल्ट भी आ रहा, रिजल्ट अब वो आएंगे जब आएंगे, पर कम से कम मैच कर रहे हैं जो हमने एनालाइज किया, और जो जो करेक्टर्स हमने निकाले, जो हमने गलतियां निकाली, या जो हमने उनके लाइफ के इवेंट्स निकाले, वो मैच करते हैं, इसका मतलब है टेक्निकली इट इज गुड। अभी तो हम टेक्निकली ही बोलेंगे क्योंकि इंट्यूटिव पावर आने में तो टाइम लगता है, कोई भी चीज ऐसे पकती भी नहीं है जो कि आप सोचें कि पेड़ से आम खा लिया मजेदार, ऐसा कोई भी ऑकल्ट साइंस ऑकल्ट ही है, उसमें पकने के लिए टाइम देना पड़ता है, जल्दीबाजी तो नहीं होती, पर टेक्निकली भी किया वो रिजल्ट है, इसका मतलब है कि जो आपने फॉर्मूलाज तैयार किए हैं दैट इज, आपकी मेहनत दिखती है उसमें, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच, आपको भगवान ऐसे ऊपर बढ़ाते चले। थैंक यू वेरी मच।